शिक्षा की सही मायने में वह मार्ग है जो विद्यार्थियों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास की ओर प्रवृत्त करती है। वास्तव में यही शिक्षा जीवन में स्थायी और सुखद प्रगति का मार्ग भी हमें बतलाती है। अब उसी प्रकार हमारे प्राचार्य महोदय भी हमें समय समय पर मार्गदर्शन करती हैं, हमारा सहवर्तन करती हैं। अब मैं उन्हें अपने आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे हमें अपने अनुभव आशीर्वचन लाभ देकर हमारे प्रेरणादायी विचार आपने अपना अनुभव बताया।
भारत को सम्मान दिलाने की आवश्यकता है।
कमी आती गई और उस कमी के चलते देश का जो है वो देश की प्रगति और विकास जो है वो अवरुद्ध होता चला। हम चाहते हैं कि भारत को तीन आर्थिक महाशक्तियों के रूप में एक स्थान मिले, पुनः विश्व गुरु के रूप में उसे स्थान मिले, या वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो एक सम्माननीय पद या स्थान ही अगर या विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अगर हम खड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि इस युवा पीढ़ी को तत्पर करना होगा या इस युवा पीढ़ी को हमें आगे आना होगा, क्योंकि ये समस्त कार्य जो है युवा पीढ़ी कर सकती है, क्योंकि इनके जोश की जुनून है क्षमता, तो इनके जोश जुनून और क्षमता का अगर हम उपयोग करें तो हम किसी भी राष्ट्र को शिखर तक पहुँचा सकते हैं। इसी इनकी सोच विचारधाराओं या इनके दृष्टिकोण के निर्माण के लिए जो शिक्षा है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा जिसको कि गांधी जी एक ब्यूटीफुल ट्री के नाम से परिभाषित करते थे, कहते थे कि शिक्षा वह जो कि संपूर्ण बालक के सर्वांगीण विकास करते हैं, तो किसी सर्वांगीण विकास करने वाली शिक्षा को वापस पुनर्जीवित करना अनिवार्य है, या यूं कहा जाए कि वर्तमान विज्ञान और तकनीकी के युग में विज्ञान और तकनीकी विचारधारा या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए अनिवार्य है कि इसमें परिवर्तन हो। स्वतंत्रता के बाद से ही शिक्षा में परिवर्तन को लेकर या शिक्षा में सुधारात्मक दृष्टिकोण से समय समय पर सुझाव या नीतियाँ प्रस्तुत की गई हैं। एनईपी 2020 इसी में एक कड़ी और है जो कि अभी जुलाई में ही प्रस्तुत की गई थी हमारे सामने, जिसमें महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए, क्योंकि इसमें शिक्षा में सुधार पर अधिक बल दिया गया। तो शिक्षा में जहाँ सुधार की बात आई, तो अगर हम बालक हैं ये क्योंकि वर्तमान युवा पीढ़ी की जो स्थिति है वह बड़ी भयावह स्थिति है, क्योंकि इस युवा पीढ़ी अपने पद या जो कहा जाए कि उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति की कामना को लेकर या अच्छे आर्थिक संसाधनों को उपलब्ध करने के लिए मान सम्मान इन सभी के लालसा में पढ़कर और वोकेशनल को छोड़कर प्रोफेशनल की तरफ इस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं कि अगर हम एक आर्टिकल पर इस पर विचार करते हैं तो उस आर्टिकल के अनुसार जो 2015 का एक आर्टिकल है जिसमें ये बात कही गई थी कि 18 से 13 वर्ष के जो युवा कुल युवा वर्ग है इनका 26% ही प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त कर सकता है और डिग्री लेता है, सिर्फ डिग्री लेता है नौकरी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस नौकरी के लिए वे डिग्री प्राप्त करते हैं उस नौकरी को पाने के लिए कौशल उनके पास नहीं होता। ये कौशल क्यों नहीं होता? कौशल इसलिए नहीं हो पाता है उनके पास कि कभी तो उनके पास योग्यता नहीं होती, क्षमता नहीं होती, कुछ आर्थिक संसाधन होते हैं जो इस क्षेत्र में उनको पीछे खींचते हैं, कुछ सामाजिक व्यवस्थाएँ होती हैं इनके मार्ग का रोड़ा या बाधा उपस्थित करती है। तो इन सब से निपटने के लिए अनिवार्य है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को पुनर्वलोकन किया जाए, और उसमें सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत किए जाए। एनईपी 2020 में यही बात इन्हीं सुझावात्मक प्रस्तावों से सुझाव प्रस्तुत किए गए, जिसका प्रारंभ इसमें नर्सरी या ये कहा जाए कि पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक या व्यावसायिक शिक्षा तक के समस्त क्षेत्रों को देखा गया, जांचा गया और उनसे संबंधित सुझावों को रखा गया। जहाँ तक हम बात करते हैं कि उच्च शिक्षा में हमें जो बात करनी है वो युवा पीढ़ी, यानी कि वहाँ उच्च शिक्षा से जुड़ी है, उच्च शिक्षा में सुधार की जो नींव है वो प्राथमिक स्तर पर ही होती है, जिस पर कि विद्यालय शिक्षा में बदलाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि वोकल टू लोकल या लोकल टू वोकल की व्यवस्था को अपनाया जाए, जो कि कभी भारत का शिक्षा का मूल आधार था। अगर हम भारतीय शिक्षा व्यवस्थाओं पर ध्यान दें तो हमारे शिक्षा व्यवस्थाओं में मूल रूप से यही वोकल स्थानीय व्यवसायों पर विशेष बल था, जिनको जुड़ने पर वापस बल गया है, और ये कहा है कि कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाए, जिससे कि बालक में कौशलों का विकास हो सके, विभिन्न कौशल का विकास हो सके और शिक्षा विद्यालय शिक्षा समाप्त करते करते बालक इस योग्य हो सके कि अपनी आजीविका के संसाधन स्वयं निर्मित कर सके। अब जब उसे विभिन्न प्रकार के कौशलों का जो क्या है, कौशल किस तरह के होंगे, किस प्रकार के कार्य करने हैं, इसका ज्ञान विद्यालय स्तर पर हो जाता है, तो महाविद्यालय या उच्च शिक्षा में आते आते उसे अपनी योग्यता क्षमता
दिशा में परिवर्तन के लिए एलिवेट 2020 में सबसे पहली चीज हुआ मूल आधार जो है उच्च शिक्षा का वह विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के साथ में महाविद्यालय, यानी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था सभी में सुधार पर बल दिया गया और गुणवत्तापूर्ण विकासोन्मुख व्यवस्था पर बल। गुणवत्ता नहीं होगी क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्या है, प्रतिशत आधारित डिग्री पर अधिक फोकस होता है, जिसमें कि केवल डिग्री धारक जो एक स्वतंत्रता के समय जो था कि डिग्रीधारी बेरोजगार, वही स्थिति वर्तमान में भी पनपती जा रही है और केवल डिग्रीधारी बेरोजगार हमारे सामने पड़ रहा है। गुणवत्ता नहीं है इसीलिए उनको किसी प्रकार के रोजगार की प्राप्ति जो हम कह सकते हैं वो नहीं। उसके बाद रहा है बहुविषय व्यवस्थाओं पर बल दिया गया, बहुविषय व्यवस्था और विखंडित व्यवस्थाओं को समाप्त किया गया। बहुविषय व्यवस्था यानी कि ज्ञान को एक रूप में माना गया है, ये हमारे राष्ट्र में मानते हैं कि ज्ञान एक है, मनुष्य ने अपनी सुविधाओं से समझने के लिए उसे अलग अलग भागों में बांट दिया और समान प्रकृति के विषयों को एक समूह में बांट दिया और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इन समूहों के बीच में उलझ कर रहेंगे कि विज्ञान है तो विज्ञान के समस्त विषय विज्ञान में ही जाएंगे, आर्ट्स का विद्यार्थी अगर उनमें से कोई विषय पढ़ना चाहता है तो उसको उसके लिए अनुमति नहीं होगी, इस चीज को यहाँ पर समाप्त किया। अब बात आती है कि जब ये बहुविषयक व्यवस्थाएं हैं, अब इसमें ये चीज इस चीज में भी बल दिया गया है कि इस बहुविषयक व्यवस्था में हमें पुनः हमारी प्राचीन व्यवस्थाओं पर लौटना होगा, यानी कि नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में जिस तरह से शिक्षा की व्यवस्थाएं थी उसमें स्वतंत्र ओपन जो विषय व्यवस्थाएं थी उसका संकाय नहीं थे और स्वतंत्र रूप से विषय चयन की छात्रों को सुविधाएं थी। उसका सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रभावी उदाहरण है बाणभट्ट रचित कादंबरी जिसमें 64 कलाओं को एक साथ संबंधित करके लिखा गया, यानी कि किसी युग पर हमें वापस पहुंचना होगा कि 64 कलाओं को एक साथ यानी कि सभी प्रकार की योग्यताओं पर बालक फोकस कर सकता है, उसमें जो योग जिस प्रकार के कौशल की योग्यता अगर वो चाहता है उसको उसमें चुन सकता है। फिर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पर बल दिया गया है कि यानी कि बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिस भी स्तर पर चाहे वो परिस्थिति वर्ष हो, आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से हो, पारिवारिक परिस्थिति की वजह से हो, अपनी शिक्षा को अधूरी छोड़कर, जब वो शिक्षा को अधूरी छोड़ता है तो निश्चित है कि जैसे उसने सेकेंड ईयर में आपने शिक्षा को छोड़ा है बीच में, उसके ये 2 साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अब तक ये व्यवस्था के अनुसार ये 2 साल उसके व्यर्थ चले गए। अगर वो 1 या 2 साल या 3 साल के गैप में वापस थर्ड ईयर नहीं करता, अगर नहीं कर पाता है तो वो व्यवस्थाएं सारी उसके लिए व्यर्थ हो गई। वो 2 साल इस व्यवस्था को यहाँ पर सुधारा गया है और जिस स्तर पर उसने शिक्षा छोड़ी है उसके अनुसार उसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री की देने की व्यवस्थाएं की। यहाँ पर इस व्यवस्था का अगर मैं सुझावात्मक उस पर बात करती हूँ तो जहाँ तक विषय चयन की या विषय के लिए बात करती कि बालक को विषय चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब बालक किसी विषय का चयन करता है वो चाहता है कि मेरे को मेडिकल में भी जाना है और मेरे को इंग्लिश लिटरेचर में भी कुछ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर यह बात कि बालक को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो मेडिकल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है जैसे साइंस बायो उसके लिए आवश्यक है कि वो मेडिकल में जाना चाह रहा है और अंग्रेजी साहित्य में उसको रुचि है तो उसे उस विषय को भी चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। अब ऐसे में अंग्रेजी साहित्य को अगर वो चुनता है तो उसे मेडिकल की स्टडी में कहीं भी बाधा उपस्थित नहीं होगी क्योंकि वह एक उसका रुचि का विषय है और एक तरह से कहा जाए कि उसको जब उसमें संतुष्टि प्राप्त होगी तो मेडिकल के साइड में बहुत अच्छे जोश और जुनून से अध्ययन कर सकता है या अपने कौशल का विकास कर सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसकी एक बड़ी विकट स्थिति है कि जैसे इंजीनियरिंग तो करते हैं, इंजीनियरिंग करके कि हमको इंजीनियरिंग करना उस तरफ जाता है, फिर इंजीनियरिंग करते करते सीधा यू टर्न हुआ और सीधा MBA की तरफ पढ़ा जाते हैं। तो आपने 4 साल क्यों खराब किए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, उनकी रुचि, उनका योग्यता या उनका कौशल किस में। तो यही चीज़ यहाँ पर बल दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर ही बालक के कौशल की जानकारी उसे हो जानी चाहिए और इसके उसी के अनुकूल वह अपने विषयों को चुन सके और उसे लगता है कि नहीं मैं विषय आगे नहीं कर सकता तो उसको यहाँ सुविधा है। जैसे इंजीनियरिंग में उसने एडमिशन लिया उसने कहा कि नहीं मेरे को ये विषय नहीं, मुझे इस ये साइड मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, तो इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर छोड़कर और वो दूसरे में एडमिशन ले सकता है लेकिन इंजीनियरिंग के कोर्स का फर्स्ट ईयर का उसे सर्टिफिकेट दिया जाए। तो इस व्यवस्था में बहुत सारी अव्यवस्थाएँ हो सकती हैं तो इनके भी समाधान की व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, यानी कि जैसा कि कहा जाता है कि
बालक की रुचियों के अनुकूल वहाँ पर उदाहरण जैसे कि आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और फिजिक्स के अंदर बहुत सारे उनके जो डायग्राम्स हैं बहुत सारे ऐसे वो होते हैं रनर्स जिनके माध्यम से वो ये जो है कि उनको नाप दो। संगीत को उसका उदाहरण दिया जा सकता है कि संगीत के वाद्य यंत्रों को किस तरह से बनाया जा सकता है, तो उसमें ये फिजिक्स के सूत्र यहाँ पर काम लिए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम मल्टीपल बहु विषय व्यवस्थाओं पर बात करते हैं तो बहुत सारी अव्यवस्थाओं के प्रश्न भी उठ रहे हैं कि अगर एक स्ट्रीम को छोड़कर दूसरा विषय लेते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएँ आ सकती हैं। उन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना, विद्यालय व्यवस्था में अध्यापकों की व्यवस्था करना, कक्षा कक्ष की व्यवस्था करना, फिर टाइमिंग्स को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है कि एक ही समय में एक ही विषय का अध्ययन हो सकता है जबकि अब तक एक समय में एक क्लास के तीन विषय आसानी से चल सकते हैं, लेकिन मल्टी जो बहु विषय व्यवस्था है उनमें ये समस्याएं आ सकती हैं। तो इसका समाधान के लिए ये हो सकता है कि हम पाठ्यक्रमों का निर्माण पुनर्ढंग से इस तरह से करें कि बालक की जो विभिन्न प्रकार के कौशल हैं उनका विकास उन पाठ्यक्रमों के माध्यम से आसानी से सहजता से हो सके। अगली बात इसमें कही गई थी अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण किया जाए, तो वातावरण निश्चित है कि शिक्षा के लिए वातावरण काफी बहुत अनिवार्य है, तो इसके लिए एक जो कहा जाए कि कुछ वातावरण इस समय ये है कि अगर एक प्राइवेट स्कूलों की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पर उस संस्था विशेष के अपने नियम अपने सिद्धांतों के अनुकूल वातावरण होना है जिसमें कुछ छात्र ऐसे से होते हैं कुछ छात्र ऐसे नहीं होते। तो वातावरण निर्माण में जहाँ प्रबंधन प्रशासन का महत्वपूर्ण सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वहीं पर छात्रों की भूमिका को भी लिया जाना बहुत अनिवार्य। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि फ्रांस की कुछ स्कूलों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर नर्सरी टू लेकर ट्वेल्थ तक की स्कूल होती है, उसमें स्कूल का टोटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के हाथ में होता है, बच्चों अपने क्लास की सफाई बच्चे स्वयं करते हैं, कोई दूसरा वहाँ पर एम्प्लॉय नहीं होता है कि उन्हें वह सफाई करनी होती है। तो इस चीज से क्या है बालक में जिम्मेदारी की आदत होती, काम करने श्रम करने की क्षमता का विकास होता है, श्रम की आदत बढ़ती है, जिसके लिए कहा जाता है कि जिस आर्टिकल का मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय टेबल पर बहुत अच्छे हैं फील्ड में नहीं, क्यों? क्योंकि उनमें श्रम करने की आदत नहीं। तो विद्यालय वातावरण को इस तरह से निर्मित किया जाए कि बालक में श्रम करने की आदत होनी अनिवार्य है, उसका प्रशिक्षण से दिया जाए। फिर आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए व्यवस्थाएं जो सरकार के द्वारा की जा रही है उसमें बहुत अधिक इजाफा किया जाए, और जो योग्य छात्र हैं ऐसा नहीं कि केवल आरक्षित वर्ग को ही इसमें सम्मिलित किया जाए बल्कि उस वर्ग को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तो आर्थिक रूप से पिछड़ा है और योग्य है लेकिन आर्थिक व्यवस्थाओं की कमी के कारण वो इसको नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर जो कुछ परेशानियों में क्या कहा जाए कि अपनी पारिवारिक सामाजिक परिस्थिति के कारण विद्यालय तक शिक्षा कार्य महाविद्यालय तक शिक्षा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए दुरुस्त शिक्षा जो है दुरुस्त शिक्षा व्यवस्था और ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जो हमारी है उसमें और जो है प्रभावी ढंग से इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसमें कि एक यूँ कहा जाए कि रोचकता आनी पाठ्यक्रमों में विशेष रूप से परिवर्तन किया जाए तभी इसमें रोचकता लाई जा सकती है। फिर बात भी है कि भारत में अनुसंधान और शोध कार्यों पर विशेष बल दिया गया। यहाँ पर मैं मेरा स्वयं का एग्जाम्पल दूंगी कि जब मैं खुद पीएचडी के लिए एनरोल हुई थी तब एक बात एक जो हमारे डीआरसी थी उसने ये बात उठी थी कि भारत में अनुसंधान का स्तर है वो बहुत निम्न कोटि का है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जो सर्वे अनुसंधान है वो सर्वे मेथड पर होते हैं, प्रैक्टिकली कोई भी अनुसंधान यहाँ पर बहुत कहना चाहिए कम प्रतिशत में होते हैं। तो भारत में इस प्रैक्टिकली यानी कि प्रायोगिक अनुसंधानों को बढ़ाना होगा और इसके लिए अनिवार्य है कि जो अनुसंधान की प्रवृत्ति है उसके लिए महाविद्यालय स्तर पर ही बैचलर डिग्री पर ही इसके लिए शोध पत्र या ऐसे जो आर्टिकल्स लिखने का कंपल्सरी छात्रों के साथ किया जाए तो निश्चित है कि शोध की प्रकृति बालकों को में विकसित होगी और जिस अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण से भारत शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है वह आगे आ सकता है। फिर जहाँ पे भी काउंसलिंग यानी कि अब तक तो ये कोठारी कमीशन ने भी कहा था कि विद्यालयों में काउंसलर्स का होना आवश्यक है क्योंकि हर समय हर बालक जो है कि अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है तो ऐसे में उसके पिछड़ जाने की संभावनाएं रहती है, तो यहाँ पर भी इस चीज़ को वापस कर दिया है कि काउंसलिंग की व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। फिर बाद में सबका समावेशी शिक्षा पर बल दिया है कि सभी के लिए शिक्षा के समान शिक्षा के अवसर सभी को उपलब्ध होने चाहिए। तो इसलिए
उसके लिए है। और यहाँ पर एक पॉइंट और मैं पहले उठाना चाहूंगी, वो है प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालयों में होनी चाहिए। निश्चित है होती है, जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उन्हें चुना जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन उनके रिफ्रेशमेंट के लिए एक औपचारिकता मात्र होती है। कोविड-19 इस महामारी के दौर में ये बात पहले भी 2020 जुलाई में ही आई, जुलाई में ही आ गया था कि वोकेशनल को एजुकेशन के अंदर जोड़ा जाए और वोकेशनल ट्रेनिंग क्लास से ही प्रारंभ कर दिया। तो शिक्षकों ने प्रश्न उठाया कि ऐसे प्रशिक्षित वोकेशनल ट्रेनर्स कहाँ से मिलेंगे, हमको बाहर से हायर करना पड़ेगा। जुलाई से लेकर आज नवंबर का ये 4 महीने का पीरियड निकला है, सरकार अगर चाहती तो एक बड़ी प्लानिंग करके और इन्हीं शिक्षकों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकती थी। जिस शिक्षक के जिस वोकेशन में रुचि है, जिस तरह के व्यवसाय में रुचि है, उस तरह का ट्रेनिंग देकर और एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सकती थी, जिससे कि नए शिक्षक नियुक्ति में जो कि पहले से ही रिक्त पदों पर सरकारी नियुक्ति नहीं दे पा रही है, तो नए शिक्षकों की नियुक्ति वो कहाँ से कर पाएगी, उस समस्या का समाधान इससे आसानी से और सहजता से हो सकता था। और ये भी है कि शिक्षकों पर अगर हम इस वोकेशनल ट्रेनिंग को विद्यालय स्तर पर ही प्रभावी ढंग से लागू करना चाहते हैं, तो जो महाविद्यालय स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं उनमें पाठ्यक्रमों के अंदर इनको भी बहुत प्रभावी ढंग से जोड़ा जाए, छात्र जिसमें चाहता है उस वोकेशन पर उन्हें फोकस करने का अवसर प्रदान किया जाए, जिससे कि उन्हें ट्रेन अध्यापक बनना कुछ मिले। शिक्षा प्रशिक्षण में भी इस चीज पर विशेष बल दिया जाए, जो कि मृत प्राय व्यवस्था है, जिसमें जो केवल व्यावसायिक लाभ के लिए जो कहना चाहिए बहुत सारे बीएड कॉलेजेस खुले हैं, पर वास्तविकता में देखा जाए तो समर्पित भाव से शिक्षक तैयार करने के प्रति कोई भी बहुत कम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है जो इसके प्रति समर्पित है, अन्यथा केवल उनको पैसा कमाने का मकसद यह है, जिसमें कि इन सुधारों की सख्त आवश्यकता है, जिनके पाठ्यक्रमों में बीएड स्तर पर ही वोकेशनल ट्रेनिंग का बकायदा एक तरह से कहा जाएगी फाइनल टचिंग जिसको हम कह सकते हैं, वो चीज वहां पर उनके कोर्स के अंदर सम्मिलित की जा सकती है। यहाँ तक कि इनके शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की व्यवस्था है, इनमें सुधार की सख्त आवश्यकताएं हैं, इनमें यह है कि इन जो ऐसे विषय ऐसे विद्यालय हैं जो केवल आर्थिक लाभ के लिए चलते हैं, ऐसे विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई करते हुए अगर बंद भी करना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी आवश्यकता है उससे अधिक शिक्षकों की का उत्पादन हो रहा है। फिर बाद में आता है व्यावसायिक शिक्षा में है, तो पेशेवरों की तैयारी को लेकर बात है कि पेशेवर या वोकेशनल और प्रोफेशनल में यही अंतर है कि वोकेशनल वे कोर्सेज हैं जिनके अंदर एक कौशलात्मक विकास होता है, और प्रोफेशनल के अंदर एक पेशेवर व्यक्ति को तैयार किया जाता है जिसको तैयार करने में समय लगता है। वोकेशनल अल्प समय में तैयार होते हैं, प्रोफेशनल को तैयार करने में 3 से 4 साल या 5 साल का डिग्री समय लगता है, जिस पर डिग्री का होता है डिग्री प्रदान की जाती है। तो इन कोर्सेज में भी एक कौशल के विकास पर विशेष बल दिया जाए, सैद्धांतिक नहीं, जैसा कि होता है कि वर्तमान में इंजीनियरिंग के बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, अगर उनको कहा जाए कि जैसे मैकेनिकल में किया है कि बेटा इधर ये थोड़ा सा वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम आई है तो ठीक करें, मम्मी मेरे को नहीं आता, क्यों? क्योंकि आपने वो ट्रेनिंग या जो कौशल है जिसका एक मैकेनिकल ट्रेनिंग जो है वो ले ही नहीं ली, केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान जो है कि वहीं तक बात सीमित रहे। ऐसे में आवश्यक है कि पेशेवर जो ये वोकेशनल प्रोफेशनल कॉलेजेस के पाठ्यक्रम हैं उनमें भी इस बातों पर बल दिया जाए कि उनके कौशल का विकास हो, थ्योरेटिकल जो है वो बालक उस प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरेटिकल स्वयं सीखे, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए। भारत में एक डॉक्टर बनकर निकलने में 29 वर्ष की आयु हो जाती है, जबकि US में 23 वर्ष का बालक मेडिकल या एक डॉक्टर बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर प्रारंभ से ही बालक उस फील्ड को चुनता है, उसी से रिलेटेड वो शिक्षा अर्जित करता है, तो यही बात भारत को भी अपनानी होगी। अच्छा, एक छोटी बात यहाँ पर इससे हटकर कहीं भी से हटकर कुछ है कि उसके आधार पर यह होगी कि अभिभावकों को भी समर्पित होना होगा, विद्यालयों को स्वतंत्र प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र छोड़ना होगा। जिस तरह से हम लोगों ने हमारे बचपन में अध्यापकों की डांट भी खाई, मार भी खाई, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे में विभिन्न प्रकार के कौशल विद्यमान है। आज मुझे अपने बचपन की वो चिड़िया आज भी याद है, जब मिट्टी को किस तरह से गूंदा जाए और किस तरह से चिड़िया बनाई जाए, तो ये चीज हमने तब सीखी थी। अगर ये कार्य हमने ना सीखा होता,
शायद हम पर नहीं सीख पाए। तो यही चीज है कि कौशल के विकास के लिए केवल महाविद्यालय स्तर पर ही इसका प्रारंभ विद्यालय स्तर पर अनिवार्य रूप से किया जाए और सभी अध्यापक जो शिक्षा से जुड़े हैं, चाहे विद्यालय है चाहे महाविद्यालय है, सभी अभिभावक चूंकि उन्हें आज भारत से बाहर भेजने की लगती है हमारे बच्चों को, क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ फायदा अधिक नजर आता है, वहाँ प्रवीणता या कौशलता अधिक नजर आती है। इस ये क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर इन चीजों की कमी है। तो अभिभावकों को समर्पित होना होगा, इस बात को स्वीकार करना होगा कि आपको जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उनको सहयोगात्मक रूप से स्वीकार करें और उसे बालक के विकास के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। तो यही एनपी शिक्षा जो व्यवस्था है एनपी 2020 के माध्यम से जो हमें सुझाव प्रस्तुत किए गए और उनमें हमें किस प्रकार से कार्य करना है, अगर हम लोगों ने सहयोग नहीं किया तो निश्चित है कि हम पुनः भारत को जो कहते हैं कि विकास उन्मुख तीन बड़ी आर्थिक शक्तियों में सम्मिलित करने की जो कल्पना है वो नहीं कर सकते, भारत को हम नहीं बना सकते। इसीलिए हम सबको सहयोग इसके साथ मिलकर कार्य करना होगा। और चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सके, यहाँ तक कि अभी
मानव ने अपनी तकनीक के साथ साथ विज्ञान के आविष्कार के फलस्वरूप काफ़ी कुछ परिवर्तन लाया है और इसी परिवर्तन में टेक्नोलॉजी एक अहम रोल अदा करती है। जब एजुकेशन की हम बात करते हैं तो एजुकेशन के अंदर शिक्षा के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए इस प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा है कि डिजिटल इंडिया के एक मतलब इसके साथ चलने का एक हमको मैसेज दिया है। तो हम इसको शिक्षा से कैसे जोड़ सकते हैं? भारत ने काफ़ी हद तक विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जैसा कि अभी जो हमारे सामने परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, इस विकट परिस्थितियों में अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे साथ नहीं होती तो हम ये कह सकते थे हम काफ़ी हद तक एक ही जगह रुक जाते, लेकिन हमारी शिक्षा रुकी नहीं है। हमने इस परिस्थितियों में भी अपने स्थानीय घर पर बैठक की शिक्षा से जुड़े। अगर हम सामान्य बातों की पर चर्चा करें तो पिछले काफ़ी 5 वर्षों के अंदर इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आए हैं। हम देख रहे हैं ऑनलाइन के संदर्भ में ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन अब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं और काफ़ी हद तक एजुकेशन में ऑनलाइन परिवर्तन आ रहा है। जब बीएड पाठ्यक्रम 1 वर्ष का हुआ करता था तब चतुर्थ प्रश्न पत्र के तौर पर शैक्षिक तकनीक का एक जो विषय है वो पढ़ाया जाता था, जिसमें शिक्षा के अंदर तकनीक हम किस तरह से यूज़ करें और इससे हम शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सके, एक शिक्षक को इस बात पर सिखाया जाता था। और द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में भी हम ICT के माध्यम से इसको काफ़ी हद तक सीखते हैं। हम देखते हैं कि हम कक्षा कक्ष के अंतर्गत हम स्मार्ट क्लास को लगाकर हम उसमें छात्रों की रुचि उत्पन्न करेंगे और उसके अंदर हम बेहतर से बेहतर कंटेंट को एक आकर्षक रूप में बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। जब बालकों को पुस्तकीय ज्ञान प्रदान किया जाता है तो उसमें कुछ हद तक एक बोलियत उत्पन्न होने की एक संभावना उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे तो उसमें बच्चों की रुचि उत्पन्न होती है। इसलिए हमको इस बात से समझना होगा कि भावी जो शिक्षक यानी हम लोग हैं आप लोग, तो हमको इस बात को समझना होगा कि हम इस तकनीक का उपयोग हमारी शिक्षा प्रणाली में किस तरीके से करेंगे, हम कक्षा कक्ष में कैसे इसको बेहतर बनाएंगे। हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन के अंतर्गत जो क्लासेस हो रही है, जो कक्षाएं हो रही है, वो जब एक लेक्चर हमें जो लेक्चर देता है तो PPT यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड का उपयोग करता है और स्लाइड के माध्यम से विभिन्न कंटेंटों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है और उससे रुचि आकर्षित रहता है और शिक्षा की गुणवत्ता बनी हुई रहती है। कंप्यूटर का हम प्रयोग एक अच्छे रूप से करें इसके लिए हम तैयार रहेंगे। हमने देखा है कि NEP 2020 ने प्रौद्योगिकी संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इसमें जो स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों पर हमारा ध्यान केंद्रित किया है कि इससे हम किस तरीके से हमारा बेनिफिट हम अपने सामने लाएंगे। सावधानीपूर्वक और उपयुक्त रूप से तैयार किया गया अध्ययन करना होगा। हम देखते हैं कि घर बैठे काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। जब कक्षा मतलब जो 9th-10th के स्टूडेंट्स होते हैं जब उनको ऑनलाइन तौर पर जोड़ा जाता है तो देखते हैं कि जो प्लेटफॉर्म गूगल मीट है, जूम है, वेबएक्स है, इनके जरिए जुड़ तो जाते हैं लेकिन वो इसको मिनिमाइज करके साइड में गेम्स खेलते या कुछ अदर एक्टिविटीज भी करते हैं, लेकिन इसका साधन किस तरीके से हो इस पर भी गौर करना होगा। और टीचर होने के नाते हमको समझना होगा कि जब हम बच्चों को इससे जोड़ते हैं तो बच्चे उससे जुड़ा रहे और जो हम बच्चों को समझा रहे हैं वो बेहतर तौर पर समझे, इसके लिए हमको तैयार होना होगा। साथ ही सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने संबंधित वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रियान्वित ICT आधारित पहलों को अनुकूल और विस्तारित करना होगा। यानी हम शिक्षक होने के नाते सरकार को हमारे सामने एजेंडा रख देती है हमको ऐसा करना वैसा करने की, हमको समझना होगा कि हम इसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो इसी प्रौद्योगिकी को अगर हम एजुकेशन में हम एक अच्छे तौर पर सामने लाएंगे तो हमारी शिक्षा प्रणाली बेहतर होगी और हम बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं और हमको ये समझना होगा कि भविष्य में भी हमको इस प्रौद्योगिकी का अच्छे से उपयोग करना है। इसी के साथ अपनी बातों के नाम दृष्टिकोण है।
मतलब कि जो आज डोनेशन नीति के अंदर व्यवस्था बताया गया है कि व्यवसाय शिक्षा, मतलब कि व्यवसाय को अलग नहीं माना गया है, जो शिक्षा सामान्य शिक्षा बालक ले रहा है उसी के साथ व्यवसाय को जोड़ना है। अब जो इसका स्वरूप इसके अंदर बताया गया है उसके कुछ बिंदुओं के बारे में से मैं चर्चा करूँगी, जैसे कि पेशेवर को तैयार करने से जुड़ी शिक्षा, जो व्यवसायिक शिक्षा है वो पेशेवरों को तैयार करने की शिक्षा है, उसके अंतर्गत नैतिकता और सामाजिक उद्देश्य का महत्व को सम्मिलित किया गया है, और जो विशेष का ज्ञान वो लेना चाहते हैं बच्चे उसको व्यवहारिक अभ्यास के अंतर्गत दिया गया है, और इसका उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हाँ आवश्यक है कि व्यवसायिक विकास से जुड़ी बाकी विषय हैं उनको अलग अलग न किया जाए और जो कि व्यवसाय के साथ हमें जोड़कर दी जाए। इसके अलावा व्यवसाय विकास की शिक्षा समग्र उच्चतर शिक्षा प्रणाली के रूप में दी जाए, मतलब कि जो शिक्षा बच्चों को अलग अलग दी जाती है, जैसे स्टैंड अलोन के रूप में से विधि शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा है, बच्चों को मतलब शिक्षा लेने के बाद ही कोर्स करना, मतलब कि प्रशिक्षण लेना होता, लेकिन आज जो है व्यवसाय के साथ मतलब कि शिक्षा के साथ साथ इसको जोड़ दिया गया है, और 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि समय की शिक्षा बच्चों को दी जाए। इसके अलावा कृषि शिक्षा से संबंधित विषयों को पुनर्जीवित किया जाएगा कि मतलब अपने कृषि विश्वविद्यालय वगैरह तो 9% है लेकिन जो एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं वो 1% ही है, तो उसको लक्ष्य को पूरा करने के लिए बच्चों को है जानकारी के अंतर्गत सामान्य शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम के माध्यम से कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान से जुड़े पेशेवरों की तैयारी तेजी से वृद्धि की जाएगी, कृषि शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवसायिक व्यक्तियों के विकास के लिए परिवर्तित किया जाएगा, जो कि स्थानीय ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान है, उभरती हुई तकनीकों की समझ है उसका उपयोग किया जाएगा, मतलब कृषि के अंतर्गत भी जो कृषि को अलग से कोर्स में किया जाता है उसको बदलाव लाकर प्रारंभ से ही बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि शिक्षा प्रदान करने वाले जो संस्थान है वो स्थानीय समुदाय से सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। इसका एक तरीका यह बताया गया है कि कृषि प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करना। इसके अलावा विधिक शिक्षा वैश्विक स्तर पर, मतलब कि जो लॉ की शिक्षा दी जा रही है उसके अंतर्गत भी वैश्विक स्तर परिवर्तन किया जाएगा, जैसे उसे बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं, कार्य प्रणालियों और नए तरीकों को अपनाया जाएगा। इसके अंतर्गत ये बात बताई गई है कि जो विश्वविद्यालय वो एक भाषा को अंग्रेजी रखेंगे और दूसरी भाषा है वो राज्य स्तरीय भाषा का उपयोग करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा को पुनर्गठित किया जाएगा, मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी जो चिकित्सा से जुड़ते हैं बच्चे उसके अंतर्गत बच्चा अगर एलोपैथिक को डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन उसे सभी तरह से आयुर्वेदिक है शिक्षा है, योग शिक्षा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी है, सिद्ध है, होम्योपैथिक है, सभी प्रकार की उसे जो बुनियादी समझ है उसको उसकी विकसित करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर हम कहें कि जो अंत में व्यवसायिक शिक्षा है उसका जो नवीन स्वरूप है तो वो सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा देने का रखा गया है। अंत में जय हिंद जय भारत। इसके लिए आवश्यक होगा कि समस्त शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल है, विश्वविद्यालय
जाएगी। इस हेतु बारहवीं जो पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के अनुमान के अनुसार 19 से 24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल अत्यंत ही कम प्रतिशत यानी 5% लोगों ने औपचारिक व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त की, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 52%, जर्मनी ने 75% और दक्षिण कोरिया में सबसे अत्यधिक 96% पर यह संख्या अधिक है। और यह संख्या भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता को पूरी स्पष्टता से रेखांकित करती है। इसके साथ ही व्यावसायिक क्षमताओं का विकास और अकादमिक या अन्य क्षमताओं का विकास भी इसके साथ साथ होगा। अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों में शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक विद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योग आदि के साथ संपर्क तथा सहयोग स्थापित किया जाएगा। स्कूलों में हब और स्पोक मॉडल में कौशल प्रयोगशालाएं भी स्थापित और सृजित की जाएगी, जहां अन्य स्कूल भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। उच्च शिक्षा संस्थान स्वयं ही या फिर उद्योग और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे। उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सॉफ्ट स्किल सहित विभिन्न कौशलों में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स की अनुमति होगी और लोक विद्या अर्थात भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान से जुड़े विषयों को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। जहाँ भी संभव हो ODL मोड के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संचालित करने की संभावना की तलाश की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पहल की देख रेख के लिए उद्योग के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ और व्यावसायिक मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय समिति नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का गठन करेगा और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को प्रत्येक विषय व्यवसाय रोजगार के लिए अधिक विस्तारपूर्वक निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए व्यवसाय के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ जोड़ा जाएगा। यह फ्रेमवर्क पूर्ववर्ती शिक्षा की आवश्यकता के लिए आधार प्रदान करेगा और इसके माध्यम से जो ड्रॉप आउट है हो चुके बच्चे हैं उन बच्चों के व्यवहारिक अनुभव को फ्रेमवर्क में प्रासंगिकता स्तर के साथ जोड़कर उन्हें पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ा जाएगा। क्रेडिट आधारित यह फ्रेमवर्क छात्रों को सामान्य से व्यावसायिक शिक्षा तक ले जाने के लिए सुगम बनाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।
देवत्व की ओर ले जाने में शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि है, क्योंकि शिक्षक ही जिसे सामग्री का प्रस्तुतिकरण करके शिक्षक प्रक्रिया के लक्ष्य को प्रदान करता है और शिक्षक को समाज का आदर्श व्यक्ति बनाने में, ज्ञान का पुंज प्रदान करने में, सत्य आचरण करने में प्रेरित करने के लिए उदार धैर्यवान व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो शिक्षक होता है। कोठारी आयोग के अनुसार स्वतंत्रता के बाद से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास संख्यात्मक हुआ।
अब मैं अपने शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित ही मैं अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। शिक्षक की ऐसा एक प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए उपलब्ध कराता है जिससे बालकों का समग्र विकास का उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही कई आयोग समितियाँ शिक्षा की नीतियाँ भी बनाई गई ताकि शिक्षा में वांछित सुधार एवं शिक्षा का भारतीकरण हो सके। शिक्षा प्रदान करने का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है। एक प्रभावी शिक्षक वही है जो अपने आदर्श व्यवहार ज्ञान और प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सदैव प्रयत्नशील रहता हो। अब आज के इस परिवर्तनशील युग में शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में कई परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए सर्वप्रथम NCERT 2009 में शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था है तो कई प्रावधान निर्धारित किए। वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा के आधारभूत परिवर्तन हेतु NEP 2020 के अंतर्गत कई संरचनात्मक और संगठनात्मक परिवर्तन किए गए हैं। NEP 2020 राष्ट्रीय विकास में योग्य समर्पित और सक्षम शिक्षकों और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और आधारभूत भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान देती है। साथ ही यह नीति शिक्षक व्यवसाय की वास्तविकता, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसायीकरण और अनुसंधान में नवीनता, मौलिकता और उत्कृष्टता के अभाव के प्रति भी सचेत है। यदि बीमारी की सही समय पर समझ और उसके कारणों की पहचान हो जाए तो उसका समय पर ही उपचार संभव है। और इसी दृष्टि से NEP 2020 में भी शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित बीमारी की नब्ज पकड़कर उसका उपचार सुझाने वाला दृष्टिपत्र ये NEP 2020 में दिखाई देता है। इस दृष्टिपत्र का कार्यान्वयन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक होगा और साथ ही यह क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण भी होगा। NEP 2020 में शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो भी बातें कही गई है वह निम्नलिखित बिंदुओं में इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें शिक्षकों को उच्चतर गुणवत्ता की सामग्री के साथ साथ शिक्षण शास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देती है। साथ ही इसमें सन 2030 तक बहुविषयक कॉलेज जिसमें शिक्षा विषय के साथ साथ अन्य जो भी डिग्री कॉलेज के सब्जेक्ट्स होते हैं वह विषय से संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षक शिक्षा को शामिल किए जाने पर बल दिया गया है। इसमें उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करने पर आवश्यकता या बल दिया गया है जिसमें BEd, MEd और PhD की डिग्री प्रदान की जाए पर्टिकुलर एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत और वो जो डिग्री प्रदान की जाए वो इन्हीं उत्कृष्ट शिक्षा विभागों के समूह के द्वारा भी जारी की जाए। इसमें बहुविषयक संस्थानों में सन 2030 तक शिक्षण हेतु न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd पाठ्यक्रम का संचालन जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री द्वारा शिक्षण कार्य के साथ व्यवहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल हो। ऐसे न्यूनतम जो योग्यता है वो लेवल प्लस होगी जो अब नई शिक्षा नीति के जो शिक्षा का की जो व्यवस्था है अपनी स्कूली शिक्षा की उसमें जो परिवर्तन हुआ उसके आधार पर। इन्हीं बहुविषय संस्थानों में स्नातक जो पहले विशिष्ट विषय के रूप में ग्रेजुएशन करते हैं जो डिग्री प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए 2 वर्षीय BEd कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा और लास्ट में इन्हीं बहुविषयक संस्थानों में 1 वर्षीय BEd कार्यक्रम का संचालन होगा जिनमें और ये वही कर सकते हैं जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक डिग्री प्राप्त की हो या किसी विशिष्ट विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करके और उस विषय में शिक्षक बनना चाहते हो उन्हीं को ही इन बहुविषयक संस्थानों द्वारा BEd की डिग्री प्राप्त की जाएगी और BEd की डिग्री प्राप्त प्रदान करने का कार्य भी ये 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षण संस्थान ही BEd की डिग्री जारी करेंगे। साथ ही ऐसे संस्थान जिसमें मुक्त दूरस्थ शिक्षण यानी ODL की मान्यता प्राप्त बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान ODL यानी ओपन मोड से डिस्टेंस लर्निंग द्वारा BEd की डिग्री देंगे और ऐसे बच्चे जो दूर दराज हैं दुर्गम स्थानों पर हैं जो भौगोलिक स्थानों की दृष्टि से दूर दराज के विद्यार्थी हैं और ऐसे शिक्षक जो सेवारत हैं और अपनी योग्यता बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी ये
स्थापित हुए। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने पर बल दिया गया है। इसमें इंटर्नशिप के दौरान स्थानीय स्कूलों में जाकर व्यवहारिक प्रशिक्षण को उन्हें वापस मुक्त दिया गया है। इसमें इस बीएड कार्यक्रम से संबंधित जो अनुच्छेद 51A है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य का मौलिक अधिकार है, उसकी पालना के साथ साथ अन्य मौलिक अधिकार जो है उनके पालन करने पर भी बल दिया गया है। साथ ही इस एनईपी में ऐसे मास्टर प्रशिक्षक के रूप में कुछ ऐसे व्यक्ति जो स्थानीय स्तर पर कला, संगीत, खेल, व्यवसायिक शिल्प आदि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को भी रिसोर्स पर्सन के रूप में विद्यालय के अंदर आमंत्रित करके प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्य हेतु बल दिया गया है और उनका नाम है मास्टर प्रशिक्षक के रूप में जाना जाए। साथ ही बीएड से संबंधित जो अन्य ऐसे छोटे छोटे अल्प अवधि के कोर्सेज करते हैं उनके लिए समय समय पर सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था भी की गई है। अब इसमें NCERT जो 2009 की उसमें संशोधन करके नई NCERT 2021 बनाने पर बल दिया गया है, जो NCT द्वारा किया जाएगा। साथ ही इसके लिए जो सिफारिश की जाएगी वो NCERT के परामर्श के आधार पर ही NCERT 2021 का एक तरह से रूपरेखा तैयार की जाएगी और इसमें व्यावसायिक शिक्षा को अध्यापक शिक्षा के साथ शामिल किया जाएगा। और ये कहा गया है आगे कि समय समय पर यानी हर प्रत्येक पाँच या 10 वर्ष के अंदर इस NCERT 2021 को संशोधित या परिवर्तनशील बनाया जाएगा ताकि समय की मांग और आवश्यकता के अनुसार जो शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2021 बनेगी उसमें परिवर्तन किया जा सके। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब जो PTET की परीक्षा है वो NTA द्वारा ली जाएगी और इस BEd करिकुलम के अंतर्गत जो व्यक्ति PhD करता है आगे चल करके उन्हें विशेष तौर पे अपने इंटर्नशिप के दौरान जो विशेष एरियाज हैं टीचर एजुकेशन के उनके ऊपर छोटे छोटे अल्पकालीन प्रशिक्षण के प्रोग्राम भी इसके साथ ही उन्हें किए जाएंगे जो एजुकेशन विषय पर PhD करता है। साथ ही इसके अंतर्गत जो व्यक्ति 4 वर्षीय 2 वर्षीय 1 वर्षीय BEd करता है उसके लिए जो मेधावी छात्र हैं उनको प्रमोट करने के लिए इन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से कई ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जो हमारे इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत दी गई है। अब अंत में मैं यही कहूँगी कि नई शिक्षा नीति 2020 के देश में लागू किए जाने के पश्चात आज लगभग 10 देशों ने हमारे शिक्षा मंत्री से हमारी इस नई शिक्षा नीति के संदर्भ में संपर्क किया है और इसके कई आयामों को अपने देश में भी लागू करने पर बल दिया गया है। तो ये हमारी जो शिक्षा नीति 2020 है उसकी कुछ सफलता के एक छोटे से कदम है। साथ ही इसके अंतर्गत एक वेबिनार जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया है जिसका विषय है शिक्षा का उज्ज्वल भविष्य, उस पर हमारे शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा है इस नई शिक्षा नीति के लिए ही कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सफलता हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, पर्टिकुलर ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था का कार्य नहीं है, इसके लिए हमें एक टीम वर्क के रूप में काम करना होगा तभी हम हमारी इस नई शिक्षा नीति का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर सकेंगे। अब शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में जो मेन हम इस पॉलिसी को अगर लागू करें तो उसके लिए आवश्यक है कि एजुकेशन सब्जेक्ट को ऑल नेशनल लेवल पर सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से एक विषय के रूप में शामिल किया जाए जो आज केवल UP या कुछ स्टेट के अंदर ही संचालित है। साथ ही इसमें शोध को स्नातक स्तर से ही लागू किया जाए और स्थानीय स्तर की आवश्यकता के अनुसार ही हम इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सकते हैं। अब इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। इसके पश्चात वेबिनार के सारांश के लिए मैं श्रीमती मनीषा मिश्रा मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचारों जो भी आज का वेबिनार रहा है उसका सारांश हमें प्रस्तुत करें। आज का अपना वेबिनार का जो प्रारंभ है दीप प्रज्वलन के साथ में किया गया था। आदरणीय मुख्य ट्रस्टी सर और ट्रस्ट सचिव मनीष जी जैन, प्राचार्य मैम और व्याख्याता गण सभी ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत
कर्मियां और भावना गुर्जर ने सभी पधारे हुए अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात उद्बोधन के लिए मुख्य ट्रस्टी सर महोदय ने शिक्षा नीति की सराहना करते हुए व्यवसायिक शिक्षा को छात्रों के लिए आवश्यक बताते हुए उसकी सराहना की और व्यवसायिक शिक्षा जो बालक के भविष्य का निर्माण के लिए आवश्यक है उस पर बल दिया। इसके पश्चात हमारे प्राचार्य मैम अलका जैन मैम ने बालकों को जो है कोरोना काल में जो वैश्विक महामारी के दौर में छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है उस समय में उस विकट समय में जो शिक्षा की व्यवस्था चल रही है उसकी प्रशंसा करते हुए जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने इसको सुगम बनाया है उसके बारे में जानकारी प्रदान करी और हमारे उज्ज्वल भविष्य की कामना का आशीर्वाद प्रदान किया। इसके पश्चात जो है आज के वेबिनार के उद्देश्य श्रीमती जिसमें उन्होंने बताया कि समाज में बहुत
कि पेशेवर छात्र तैयार करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा का बहुत विशेष योगदान होता है और व्यावसायिक शिक्षा जो बालक को भविष्य उन्मुक्त बनाने के लिए या रोजगार प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी है। एक बालक शिक्षा प्राप्त करके बेरोजगार होता है और कोई व्यवसाय नहीं करता है, वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। इसलिए जो नई शिक्षा नीति है उसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है, इसके बारे में उन्होंने हमको जानकारी प्रदान की। इसके पश्चात जो है चतुर्थ तकनीकी सत्र में श्रीमती दीपिका गुप्ता ने भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नवीन और भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण जो उनका सब टॉपिक था उसके बारे में बताया कि 21